नालंदा में होली की रात्रि में घर से बुलाकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जहां एक तरफ पूरे देश भर में लोग रंग और गुलाल लगाकर होली मनाने में व्यस्त हैं, वहीं दूसरी तरफ अपराधी भी खून की होली खेलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। एक ओर जहां पुलिस प्रशासन शांतिपूर्ण और आए आपसी भाईचारे के साथ होली मनाने की अपील करती है, तो वहीं दूसरी तरफ अपराधियों के बीच इन दिनों पुलिस का खौफ समाप्त होते दिख रहा है और अपराधी जघन्य वारदात को अंजाम दे रहे हैं। घटना नालंदा जिले के परवलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पिलीच गांव में घटी है। मृतक की पहचान पिलीच गांव निवासी स्वर्गीय अरुण सिंह का पुत्र विक्रम कुमार के रूप में की गई। बदमाशों ने होली की रात्रि घर से बुलाकर विक्रम की गोली मारकर हत्या कर दी और आज सुबह गांव के ही लोगों ने उसके शव को देखा, जिसके बाद गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि विक्रम को किसी दूसरे जगह पर गोली मारी गई और उसके शव को गांव के ही समीप तालाब के पास रखे बालू पर लाकर छोड़ दिया गया। फिलहाल घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है, आखिर किस कारण से युवक की हत्या की गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेजकर मामले की जांच में जुट गई है। चलो।